मैं हूँ आपके साथ यास्मीन। आलिया भट्ट और वरुण धवन की मोस्ट अवेटेड फिल्म कलंक थिएटर्स पर दस्तक दे चुकी है, जो 2019 में अब तक की सबसे बड़ी ओपनर साबित हुई है। जैसा कि आप जानते हैं, इस फिल्म ने दूसरे दिन 11 करोड़ 45 लाख का कारोबार किया था, और चूंकि इसके बाद गुड फ्राइडे था तो उम्मीदें जताई जा रही थी कि फिल्म के तीसरे दिन कमाई में इजाफा देखने को मिलेगा। तो चलिए बताते हैं आपको फिल्म ने तीसरे दिन कितने करोड़ों की कमाई की है। बता दें कि तीसरे दिन फिल्म ने 11 करोड़ 60 लाख कमाए हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो फिल्म ने अब तक 44 करोड़ 65 लाख कमा लिए हैं, जिसकी जानकारी ट्रेड एक्सपर्ट तरुण आदर्श ने ट्विटर के जरिए दी है। तो देखा आपने, फिल्म को एक दिन का गैप मिलने के बावजूद कमाई में कुछ खास बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। अब इस बात से तो आप वाकिफ ही होंगे कि जब से फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी तभी से लोगों में फिल्म को देखने की एक्साइटमेंट थी, लेकिन फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से तो मिले जुले रिस्पॉन्स मिले ही, साथ ही फिल्म को नेगेटिव माउथ पब्लिसिटी का भी सामना करना पड़ा है। अभिषेक वर्मन के डायरेक्शन में बनी ये मल्टी स्टारर फिल्म है, जिसमें वरुण आलिया के अलावा सोनाक्षी सिन्हा, आदित्य रॉय कपूर, माधुरी दीक्षित और संजय दत्त भी नजर आए हैं। वह अब देखने वाली बात तो ये होगी कि फिल्म 100 करोड़ के क्लब में एंट्री ले पाएगी या नहीं। वैसे अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो अभी जाकर देखिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी।